आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स ने नहीं एक नियम ने हराया। हार के बाद आरसीबी कप्तान ने सच बताया। जी हां, आईपीएल सीजन 17 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को हराकर उसके खिताब जीतने के ख्वाब को तो पानी पानी कर ही दिया, लेकिन मैच में हार के बाद आरसीबी के कप्तान फैफ डुप्लेसी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। फैफ डुप्लेसी ने कहा है कि वे राजस्थान रॉयल्स से नहीं बल्कि एक खास नियम की वजह से हारे हैं, और अगर यह नियम ना होता तो शायद इस मैच में आरसीबी जीत भी सकती थी और आरसीबी आईपीएल के खिताब की रेस में बनी भी रह सकती थी। तो आखिर कौन सा है वह नियम? आखिर क्यों आरसीबी के कप्तान फैफ डुप्लेसी हार के बाद राजस्थान रॉयल्स से ज्यादा इस नियम को अपनी हार की वजह बताते हुए नजर आए? अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को आरसीबी से जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य मिला था। इस लक्ष्य को राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट बाकी रहते ही हासिल कर लिया। 19वीं ओवर के बाद ही राजस्थान रॉयल्स को ये जीत मिल गई, और राजस्थान रॉयल्स की जीत में यूं तो कई खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन खास तौर से अगर बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की उन मुश्किल लम्हों की, जब लग रहा था कि मैच में आरसीबी की भी वापसी हो सकती है, तब सिमरन हेटमायर क्रीज पर आए और सिमरन हेटमायर ने आकर राजस्थान रॉयल्स के लिए 26 रनों की अहम पारी खेली। अब सिमरन हेटमायर का क्रॉस पर आना राजस्थान रॉयल्स के लिए तो वरदान साबित हुआ, लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ? यह मुमकिन हुआ इंपैक्ट प्लेयर नियम के चलते। वो इंपैक्ट प्लेयर नियम जो कि आईपीएल के मौजूदा सीजन में अक्सर सवालों के घेरे में आया है। रोहित शर्मा से लेकर टीम इंडिया के कई दूसरे क्रिकेटर, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और भी कई क्रिकेटर्स ने इंपैक्ट नियम पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब आरसीबी की हार के बाद फैफ डुप्लेसी ने भी इस नियम पर कहीं ना कहीं इशारों में सवाल उठा दिए। फैफ डुप्लेसी ने कहा कि इंपैक्ट प्लेयर नियम के चलते उनको हार मिली क्योंकि इसमें राजस्थान रॉयल्स के जो बैटिंग ऑर्डर हैं वो और ज्यादा लंबा हो गया था, और जो दबाव राजस्थान रॉयल्स को अपनी लगातार गिर रही विकेट के बाद महसूस करना चाहिए था वो दबाव उन्हें नहीं आया, और सिमरन हेटमायर जब आए तो उन्होंने इस दबाव को हटा दिया। आपको बता दूं कि मैच में सिमरन हेटमायर को यजुवेंद्र चहल की जगह राजस्थान रॉयल्स ने इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के तौर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। अब जाहिर तौर पर अगर यजुवेंद्र चहल बल्लेबाजी कर रहे होते तो सिमरन हेटमायर जैसे पारी तो वो नहीं खेल पाते ना, तो यही बात फैफ डुप्लेसी ने भी कही। हालांकि बाद में रोमन पावल ने भी राजस्थान रॉयल्स के लिए अहम पारी खेली। एक छोटी सी कुछ फायर नॉक थी, लेकिन सिमरन हेटमायर और रियान पराग की जो पार्टनरशिप थी वह बहुत कुशल थी, और यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने मैच को आरसीबी से छीन लिया। खुद फैफ डुप्लेसी ने यह भी कहा कि मैच में 170 से 175 रन का जो स्कोर था मुश्किल स्कोर नहीं था, लेकिन ये ड्यू फैक्टर आ गया था, इस वजह से उसे डिफेंड करना आरसीबी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अगर 20 या 25 रन और बन जाते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 190 प्लस का स्कोर वो बना सकते थे, अगर 20-25 रन और बन जाते तो आरसीबी जरूर जीत सकती थी। फैफ डुप्लेसी ने अपनी हार के बाद टीम के बल्लेबाजों को भी इस कम स्कोर के लिए जिम्मेदार माना, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि जिस तरह से सीजन के शुरुआती मैचों में आरसीबी का प्रदर्शन रहा, उसके बाद आरसीबी का प्लेऑफ तक पहुंचना, लगातार 6 मैचेस जो एलिमिनेटर में हार से पहले आरसीबी को जीत मिली, उन 6 मैचों में जीत हासिल करना आरसीबी के अच्छे कैरेक्टर को दिखाता है, अच्छे प्रदर्शन को दिखाता है। हालांकि उन्हें अफसोस जरूर हुआ कि आरसीबी अब क्वालिफाई 2 में नहीं जा पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट प्लेयर नियम को आरसीबी की हार का फैफ डुप्लेसी ने यहां पर कसूरवार माना है। क्या लगता है आपको, क्या आरसीबी इंपैक्ट प्लेयर नियम के चलते या वो जो सिमरन हेटमायर ने एक क्विक फायर नॉक खेला था 26 रनों का उसके चलते हारी, या वाकई में इस हार के पीछे आरसीबी की गेंदबाजी को भी ब्लेम किया जा सकता है, आरसीबी की खराब फील्ड को भी ब्लेम किया जा सकता है, या खुद कप्तान फैफ डुप्लेसी को भी ब्लेम किया जा सकता है, क्योंकि वह कप्तानी में भी आज थोड़े से एवरेज नजर आए, उनमें वो आत्मविश्वास नजर नहीं आया। क्या है आपकी राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।